दोस्तों, डुनजो कंपनी बहुत ही जल्द बैंक्रप्ट हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इस कंपनी के रिलेटेड न्यूज को आप देख के बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं। क्विक कॉमर्स कंपनी डुनजो के को फाउंडर दलवीर सूरी ने अब कंपनी का साथ छोड़ दिया है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो कंपनी के लिए फंडिंग जुटाने में नाकामयाब रह चुके हैं। $750 million वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप डुनजो की नया अब बिल्कुल डूबते हुए दिखाई दे रही है। इसका बिजनेस घट रहा है, एम्प्लॉयज की लगातार छटनी होती जा रही है, इनको वेंडर्स को पेमेंट देने तक में आपको दिक्कत होती हुई दिखाई देगी। इवन खबर ये भी है कि कंपनी के अब जो बड़े इन्वेस्टर्स थे जैसे कि रिलायंस और लाइट रॉक, अब इनके भी रिप्रेजेंटेटिव अब डुनजो का बोर्ड मेंबर छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि डुनजो जो एक समय में ब्लिंकिट और जोमैटो जैसी बड़ी कंपनीज को एक बड़ी फाइट दे रही थी, क्या वो आने वाले समय में मार्केट से बिल्कुल गायब हो जाएगी? क्या कबीर विश्वास के द्वारा जो शुरू की गई एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशनरी कंपनी अब मार्केट से बहुत ही जल्द जाने वाली है? ये सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें क्विक कॉमर्स के बारे में वो सब कुछ है जो कि आप अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहते हैं, किस तरीके से कबीर विश्वास ने इस कंपनी को खड़ा किया, किस तरीके से उन्होंने बैंगलोर से एक स्टार्टअप को बिल्ड किया, लेकिन आज वही स्टार्टअप एक सबसे बुरे सपने की तरह खत्म होता जा रहा है। तो इस वीडियो में हम ये सब कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपके बिजनेस के लिए काफी एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकती है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कैश स्ट्रैप क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म डुनजो हैज लेड ऑफ 150 टू 200 पीपल इन द लेटेस्ट राउंड ऑफ लेऑफ। होम ग्रोन क्विक ग्रोसरी डिलीवरी प्रोवाइडर डुनजो has received legal notices from at least 7 companies since March this year for non-payment of dues. Quick commerce company Dunzo has deferred a part of the salary for over 50% of its staff for around 2 months now. The company's co-founder Dalveer Suri has quit the quick commerce startup. Hello dosto, mera naam hai Deepak, aap dekh rahe hain Digital Order. To dosto, Dunzo ek hyper local delivery platform hai. Jise hyper local delivery platform ke bare mein nahi pata, unhe main bata du ki ye customers ko suvidhaen diya karte hain, जैसे कि वो अपने लोकल एरिया में किसी भी तरह के कोरियर को पिकअप या फिर उसे कहीं भी ड्रॉप करा सकते हैं। हालांकि डुनजो ने कोरियर के बिजनेस के साथ साथ अपने आप को एक्सपेंड किया और आज के डेट में वो ग्रोसरी तक घरों पे डिलीवरी कर रहे हैं। फिर चाहे इसमें फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, मीट हो या मेडिसिन हो, किराने से जुड़ा कोई भी सामान आप घर बैठे यहां से मंगा सकते हैं। और डुनजो की जो सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप जब भी ऑर्डर करेंगे तो आपको हाफ एन आवर के अंदर आपको डुनजो घर पे आके डिलीवरी दे दिया करता था। यही इनकी सबसे बड़ी यूएसपी थी। बट हमारा प्राइम क्वेश्चन वही है कि जो इतना बेहतर स्टार्टअप शुरू हुआ था, ये आज के डेट में फेल क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, डुनजो को समझने के लिए आपको डुनजो की स्टोरी शुरू से समझनी पड़ेगी, जिसकी शुरुआत साल 2014 से होती है, जब मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाले कबीर विश्वास ने नोटिस किया कि अक्सर लोग अपने सामान वगैरह को इधर उधर छोड़ देते हैं या फिर घर पहुंच के उन्हें याद आता है कि हमने अपना सामान यहाँ छोड़ दिया है और उनको जाके वहाँ से वापस लाना होता था। यहाँ पे कबीर विश्वास को एक गैप दिखाई दिया कि लोगों को वापस जाके कोई सामान कहीं से पिक करना होता है या कहीं पर ड्रॉप करना होता है तो उनका काफ़ी सारा टाइम चला जाता है और जाने का ट्रेवलिंग कॉस्ट भी लगा करता है। यहीं पर इनको एक मार्केट में गैप समझ में आ गया। कबीर ये देखा करते थे ऑफिस जाते समय लोग अपनी फाइल वगैरह जल्दीबाजी में घर छोड़ देते थे, फिर ऑफिस जाके याद आता था और वो इम्पोर्टेंट फाइल लाने के लिए उनके लिए काफ़ी इम्पॉसिबल सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता था। और इसीलिए डुनजो की शुरुआत हुई। ये एक हाइपर लोकल डिलीवरी प्लेटफॉर्म था जो कि आपके घर से फाइलें हो गया, कोई कुरियर का आइटम हो गया, वो आपके जगह पे ले जाके डिलीवरी कर दिया करते थे। वैसे आपको इस स्टार्टअप की मैं सबसे खास बात बता दूं कि जब ये स्टार्टअप शुरू हुआ था तो उस समय कोई ऐप वेबसाइट नहीं लॉन्च हुआ था, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप के तरह खाली शुरू हुए थे। धीरे धीरे एक्सपेंड करते गए, इन्होंने अपना ऐप वेबसाइट सब कुछ बनाया और आज के डेट में ये काफ़ी बड़े लेवल पर ऑपरेट कर रही है स्टार्टअप। डुनजो शुरुआत से ही अपने टारगेट ऑडियंस को बहुत ही क्लियरली समझती थी। उसे पता था जियोग्राफिकली अगर हम टायर टू टायर थ्री सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे जो कस्टमर होता है वो खुद ही जाके अपना सामान मार्केट से लेके आता है। इसीलिए उन्होंने मेट्रो सिटीज़ को टारगेट किया और सबसे पहले वो बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और जयपुर जैसे शहरों में अपने आप को सबसे पहले एक्सपेंड करना शुरू किया था। अब यहाँ हमें डुनजो के फंडिंग स्ट्रक्चर को भी समझना होगा कि कैसे इनको फंडिंग्स मिलनी शुरू हुई। तो अगर हम मार्केट में देखें तो उस समय था 2016 जब कंपनी को लाइटरॉक इंडिया ने करीब $1.18 million की फंडिंग किया। साल 2017 में इनको ब्लूम वेंचर और अस्पाडा ने करीब $12.3 million की फंडिंग दिया। इसके बाद अल्टेरिया कैपिटल ने इनको करीब $1 million की फंडिंग दिया और इसी तरह साल 2019 में कोविड के जस्ट पहले इनको करीब $3.1 million की करीब कई सारे स्टार्टअप से फंडिंग मिली। अब इसी तरह आप साल 2019 तक भी देखेंगे कि इनको फंडिंग मिलने का सिलसिला लगातार जारी ही रहा। डुनजो के साथ जो बड़ी पार्टनरशिप हुई वो थी गूगल की। इस फंडिंग राउंड में गूगल इंडिया के MD राजन आनंदन ने कई लोगों के साथ अपने यहाँ पे पैसा लगाया। वेल, आपको ये बात नहीं पता होगा कि गूगल की तरफ से भारत में ये पहला एक इन्वेस्टमेंट था किसी भी स्टार्टअप के लिए जो कि डुनजो को मिला था और इन्हीं वजह से डुनजो का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा था। साल 2021 आते आते इन्होंने अपने आपको कई सारे कैटेगरीज में एक्सपेंड करना भी शुरू कर दिया। 19 मिनट है हमारे पास। इसके बाद डुनजो ने सिर्फ 19 मिनट में अपने कस्टमर्स को हाउस होल्ड आइटम डिलीवर करने की गारंटी देना शुरू कर दिया। वैसे जनवरी 2022 का समय डुनजो के लिए काफी खास था क्योंकि यही वो साल था जब मुकेश अंबानी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया आके।
आज के समय में रिलायंस रिटेल डुंजो की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर्स है। रिलायंस रिटेल के पास डुंजो के करीब 25.8% हिस्सेदारी आ जाती है। डुंजो ने कुल 19 राउंड की फंडिंग में करीब $476 मिलियन की फंडिंग जुटाई। तो ऐसे में आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि जब यहाँ पे इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे और डुंजो को लगातार फंडिंग मिल रही थी, फिर आज डुंजो फेल होने की रास्ते पे कैसे आ गई है? तो दोस्तों, इससे कई सारे रीजंस भी हैं। सबसे पहला रीजन आता है फ्रेंडली रिलेशन। आपने इंडिया में जितने तरीके के जनरल स्टोर्स देखे होंगे, बेसिकली उनका अपने आसपास के लोगों से काफ़ी अच्छा रिलेशन हुआ करता है, और ऐसे में लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सामान मंगाने की जगह अपने घर के बगल वाली दुकान पर जाकर ग्रोसरी का सामान खरीदना ज़्यादा पसंद कर लिया करते हैं, क्योंकि वो उस दुकान के ओनर को जाना करते हैं। किराने की दुकान पर जाके सामान खरीदने का लोगों को एक और भी फायदा नज़र आता है कि इसमें समय समय पर उन्हें डिस्काउंट व कैश नहीं देने के बाद भी उधार मिल जाया करता है, जो कि ऑनलाइन से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ऑनलाइन में आपको हमेशा पैसा पहले देना पड़ेगा, लेकिन आप अपने अगर बगल की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे आप उधार भी लगा सकते हैं, जिसको आप मंथ के एंड में भी पे कर सकते हैं, तो ये लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा सुटेबल हो जाता है। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है ऑर्डर वैल्यू का, और आप हर ऑनलाइन कंपनी को देखेंगे कि वो ऑर्डर वैल्यू में सबसे ज़्यादा फोकस किया करती है कि कितने एक बार में जब कोई सामान मंगा रहा है तो वो कितने रुपये का सामान मंगा रहा है। फॉरेन कंट्रीज़ में ऑन एन एवरेज लोग एक बार में 15 दिन या फिर पूरे महीने या फिर 30 दिन का ग्रोसरी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना प्रीफर करते हैं। इस वजह से उनकी एक बार की ग्रोसरी ऑर्डर की वैल्यू मिनिमम 5,000 से 7,000 होती है, जबकि हमारे भारत में एवरेज लोग 500 से 800 रुपये की ग्रोसरी एक बार में खरीदते हैं। ऐसे में जब ऑर्डर वैल्यू कम होता है तो ऑनलाइन ग्रोसरी जो कंपनियां होती हैं उनका मार्जिन यहाँ काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि जब वो एक बार ऑर्डर आके डिलीवर कर रहे हैं और अगर ऑर्डर की वैल्यू काफ़ी कम है तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम होता है। डुंजो के साथ भी यही हो रहा है, मार्जिन कम और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से कंपनी लॉस में जा रही है। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि डुंजो का मार्जिन यहाँ पे करीब सिर्फ 15% हो जाता है। ऐसे में अगर ऐप पर 500 रुपये की ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं और सिर्फ 15% के हिसाब से कंपनी को ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे सिर्फ 75 रुपये का हो रहा है, जिसमें कंपनी ने काफ़ी सारी मार्केटिंग किया हुआ है, उनके काफ़ी सारे एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं इसी के अंदर। इसी 75 रुपये से यहाँ पे कंपनी को अपने डिलीवरी चार्जेस, कस्टमर केयर की सैलरी, एम्प्लॉइज की सैलरी, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ये सब कुछ इसी पैसे में से निकालना होता है। इसके बाद जो बचेगा वो कंपनी का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप सोचिए कि इतने कम मार्जिन में एक कंपनी कैसे सर्वाइव कर रही है। अब यहाँ पे अगर ऑर्डर वैल्यू 2,000-2,500 का होता तो कंपनी का यहाँ पे मार्जिन भी ज़्यादा होता। तो मार्जिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है हर एक ऑनलाइन कंपनी के लिए। तीसरा जो बड़ा रीज़न आता है, डिलीवरी रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। बेसिकली कंपनीज के साथ डिलीवरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो डिलीवरी बॉयज हुआ करते हैं वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो कुछ टाइम में एक डिलीवरी की जॉब छोड़ के वो दूसरे तरफ चले जाते हैं। स्विगी का आदमी जोमेटो में चला जाता है, जोमेटो वाला स्विगी में चला जाता है, ये हर कंपनी को झेलना पड़ता है। कंपनी से जुड़ने वाले डिलीवरी बॉय जल्दी अपना काम स्विच कर देते हैं। ऐसे में नए लोग तो मिल जाते हैं, लेकिन काम पहले जितना फास्ट हो रहा था, एक आदमी डुंजो को जितना अच्छे समझ रहा था, जब वो छोड़ के जाएगा और दूसरा नया आएगा तो उसको वही ट्रेनिंग देने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये कंपनी के साथ सबसे बड़ी पेनफुल प्रॉब्लम होती है। यह नए सिस्टम को समझने, डिलीवरी रूट्स को याद करने में टाइम लग जाता है, जिससे कि ऑर्डर डिलीवरी में टाइम बढ़ता जाता है। और डुंजो यहाँ पे 19 मिनट में डिलीवरी का वादा कर रही थी। यहाँ पे कंपनी को ऑपरेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है, कई बार नए डिलीवरी बॉय टाइम पर डिलीवरी नहीं कर पाते हैं, जिससे कंपनी की रेपुटेशन लगातार ख़राब होती है। इसके अलावा डिलीवरी रिजेक्शन, टेक्निकल प्रॉब्लम, कई तरीके की मुसीबतें हैं जो 50 रुपये डिलीवरी चार्ज और अपने कस्टमर से कंपनियाँ लिया करती हैं, वो सफिशिएंट नहीं हो पाता है कंपनीज के लिए। दोस्तों, जो डुंजो के फेल होने का जो चौथा बड़ा रीज़न है वो है इंडियन माइंडसेट। बेसिकली आप इंडियन माइंडसेट में देखेंगे कि जब भी लोग कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं तो वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिले, और यही डुंजो के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर डुंजो यहाँ पे लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर में डिस्काउंट देती है तो यहाँ पे डुंजो को लॉस हो जाता, और अगर डुंजो डिस्काउंट नहीं देती है तो लोग ऑनलाइन ऑर्डर ही नहीं करेंगे इंडियंस। ये डुंजो की सबसे बड़ी यहाँ पे डिलेमा आ गई थी। अब ऐसी कंडीशन में कंपनी अपने कस्टमर को बनाए रखने के लिए उनको कई सारे अपने पॉकेट में से डिस्काउंट देती है, और वो खुद इस लॉस को सहती जाती है। दोस्तों, आप ही सोचिए कि कोई भी बिजनेस अगर लॉस में चल रहा है तो वो कितने दिनों तक सस्टेन कर पाएगा। यही पूरा हाइपर लोकल डिलीवरी जो इंडिया में बिजनेस है उसकी यही सिचुएशन है कि बिजनेस पहले चलता नहीं है, और अगर बिजनेस चल रहा है तो उसको में प्रॉफिट निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। कबीर विश्वास ने क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म तो बना लिया, लेकिन उनकी रिसर्च काफी ज्यादा अधूरी यहाँ पे दिखाई देती है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसके बिजनेस मॉडल को बहुत ही बारीकी से समझना होता है। किसी भी बिजनेस के प्रोज एंड कॉन्स समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यहाँ पे जब कबीर विश्वास ने कोरियर का बिजनेस शुरू किया तो वो तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब वो ग्रोसरी के सेक्शंस ले आते गए और वहाँ पे वो डिस्काउंट देते गए, वहीं से उनका बिजनेस मॉडल पूरी तरह से खराब होता गया। और कुछ समय बाद कंपनी का ये हाल हो गया कि इनको 1 रुपये की कमाई के लिए कंपनी को 100 रुपये से 225 रुपये तक लॉस होने लगा। जब फाइनेंशियल ईयर 2019 के रिजल्ट आए तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि डुंजो को 1 रुपये कमाने के लिए करीब 225 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। हालांकि बाद में यूसेज बढ़ने के साथ ही हालात कुछ सुधरे, लेकिन इनकी यूनिट इकोनॉमिक्स पे कोई भी ज्यादा असर नहीं पड़ा।
दिसंबर 2019 से ये भी खबर आई कि डुंजो को डीजीसीए की तरफ से लंबी दूरी के लिए ड्रोन के जरिए खाना डिलीवरी करने के टेस्टिंग की मंजूरी भी मिल गई है। और इसी न्यूज के बाद डुंजो ने अल्टेरिया कैपिटल से करीब 90 करोड़ की डेप्थ फंडिंग उठा ली थी। अब एक तरफ जहां कंपनी को लगातार फंडिंग मिलती जा रही थी, लेकिन वहीं इनके घाटे लगातार बढ़ते जा रहे थे। और आज भी आप कंपनी के सिनेरियो देखेंगे तो ये फंडिंग की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ये अपने घाटे को मिनिमाइज करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो इनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट है बिजनेस का। अगला बड़ा रीजन है कोरोना पैंडेमिक। आप कोविड के टाइम में देखेंगे कि बाकी ग्रोसरी शॉप की तरह डुंजो को भी ऑर्डर्स काफी ज्यादा मिलने लगे। मंथ बाय मंथ इनके ऑर्डर्स वैल्यू करीब 33% से ज्यादा हर महीने बढ़ रहे थे। मई के अंत तक गूगल पे ने भी डुंजो के साथ पार्टनरशिप कर लिया, जिसके बाद 1 सितंबर 2020 को खबर आई कि गूगल ने लाइटरॉक समेत कई इन्वेस्टर्स के साथ 28 मिलियन डॉलर के फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनके ऊपर फंडिंग किया। यहाँ एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू करीब 4 गुना ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन जब फाइनेंशियल रिपोर्ट आए तो कंपनी का घाटा करीब 35% से ज्यादा बढ़ चुका था। साल 2021 के मिड में एक खबर आने लगी कि फाइनेंशियल ईयर 21 में डुंजो का रेवेन्यू करीब 66% बढ़ गया है और वो करीब 46 करोड़ पहुंच गया है। वहीं कंपनी का लॉस भी अब करीब 768 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इस दौरान कंपनी का जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू था वो करीब 590 करोड़ रुपए था। और इसके बाद मार्केट में ये भी खबर चल रही थी कि स्विगी आने वाले समय में डुंजो को खरीद सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन इसका अगला सीक्वेंस आता है यहाँ पे, जब मुकेश अंबानी जी ने इस कंपनी पे इन्वेस्ट किया तो सबको लगा कि डुंजो आने वाले टाइम में इंडिया की सबसे बड़ी हाइपर लोकल कंपनी बनने वाली है। लेकिन डुंजो का दबदबा ज्यादा दिन नहीं चला। सितंबर 2022 में कंपनी को बड़ा झटका लगा और उनके वर्कर्स जो बेंगलुरु के थे वो सब स्ट्राइक पे चले गए। कंपनी को लेकर कई सारी निगेटिव्स खबर आने लगी। ये वो समय था जब कंपनी को पैसे की काफी ज्यादा जरूरत थी। कंपनी ने अपनी कंडीशन सुधारने के लिए नवंबर 2022 में ब्लैक सॉइल से डेट फंडिंग में 50 करोड़ उठाए, लेकिन इनके हालात अभी कोई भी नहीं सुधरे। तब भी करंट टाइम में डुंजो की ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस डुंजो डेली का मंथली ट्रांजैक्शन करीब 10 से 15 लाख ही रह गया है। पिछले साल जून में अगर आंकड़ा देखें तो ये 55 लाख था, तब इसने दिसंबर तक करीब 57 लाख मंथली ट्रांजैक्शन करने की उम्मीद जताई थी, लेकिन ये उम्मीद उम्मीद ही रह गई और इनको कोई भी इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं हो पाया। आप द इकोनॉमिक टाइम की इस रिपोर्ट को देखिए, जहां पे डुंजो इस साल अप्रैल में कन्वर्टेबल नोट्स के जरिए करीब 75 मिलियन डॉलर का कर्ज जुटाना चाहती थी, लेकिन वो सिर्फ 45 मिलियन डॉलर का ही कर्ज जुटा पाई यहाँ, जिस वजह से डुंजो डेली को अपने यहाँ पे डिस्काउंट मार्केट में घटाना पड़ा और मिनिमम ऑर्डर वैल्यू पे जो वो डिलीवरी कर रहे थे उसको भी उन्हें कम करना पड़ा। अब आज के टाइम में आप देखेंगे तो उनके सिर्फ 7 ही डार्क स्टोर चल रहे हैं और वो सभी अभी बैंगलोर में ही हैं, जबकि पिछले साल दिसंबर तक अगर हम देखें तो डुंजो के करीब 150 से ज्यादा डार्क स्टोर पूरे इंडिया में थे। फिलहाल देश भर में ये लगभग करीब 75 पार्टनर स्टोर के साथ काम कर रहे हैं। अपने इतने ज्यादा लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए डुंजो ने करीब अपने 30% एम्प्लॉयज को अप्रैल में ही निकाल दिया। इसके साथ ही अपने बहुत सारे डार्क स्टोर्स और अपने पार्टनर्स के साथ इन्होंने जो रिलेशन थे वो सब भी खत्म कर दिए। इस बीच ये भी खबर आई कि डुंजो ने अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए रिलायंस रिटेल से फंडिंग मांग रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि डुंजो अपनी कन्वर्टेबल नोट्स के जरिए कर्ज जुटाया, जहां पे उसे रिलायंस को भी पैसे देने हैं, लेकिन जुलाई में एक बार फिर डुंजो रिलायंस के पास पहुंच गई, जहां डुंजो मिनिमम 2 करोड़ डॉलर की मदद रिलायंस रिटेल से मांग रही थी, क्योंकि डुंजो अभी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने में भी सफर कर रही है। वहीं दूसरी जो डुंजो के साथ बड़ी प्रॉब्लम है कि इनके बड़े एम्प्लॉयज छोड़ते जा रहे हैं, इनका जो टीम में जो बड़े लोग थे वो लोग इनको छोड़ के जाते हुए दिख रहे हैं। 3 अगस्त 2023 को दो ऑफिसर्स अश्विन और राजेंद्र कामत ने डुंजो के बोर्ड को छोड़ दिया। दोनों रिलायंस रिटेल की फाइनेंशियल विंग के दोनों बड़ों पदे पर शामिल थे। इसके बाद 21 अगस्त को डुंजो में 8% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले लाइटरॉक की पार्टनर वैदेही रविंद्रम ने भी यहाँ पे कंपनी से बाहर जाने का ऐलान कर दिया। और वहीं कंपनी को सबसे बड़ा झटका 29 अगस्त को लगा, जब इनके को फाउंडर दलवीर सूरी भी कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। अब खबर ये भी आ रही है कि 1 सितंबर 2023 को कंपनी के दूसरे को फाउंडर मुकुंद झा ने भी कंपनी छोड़ दी है, लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। अब यहाँ कंपनी को लीगल नोटिसेस भी मिलते जा रहे हैं इनके वेंडर्स की तरफ से। इन्होंने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी तक अच्छे से नहीं दिया है। और यहाँ अब जो सबसे बड़ी बात दिखाई दे रही है कि रिलायंस रिटेल का इस कंपनी में करीब 25% से ज्यादा स्टेक है, जो कि सबसे बड़े यहाँ पे स्टेक के साथ हैं। और यहाँ पे देखा जा सकता है कि आने वाले टाइम में शायद रिलायंस रिटेल इस कंपनी को खरीद लेगी, क्योंकि यहाँ अगर हम रिलायंस की स्ट्रैटेजी देखें तो उन्होंने कई ऐसे फंसे हुए स्टार्टअप्स को खरीदा है, जैसे कि अर्बन लैडर, जिवामे, मिल्क बास्केट जैसे कई सारे स्टार्टअप शामिल है। वैसे ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या रिलायंस रिटेल खरीदती है इसको या फिर कबीर विश्वास इस कंपनी को फिर से एक बार खड़ा कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरुआत से ही दिखाई दे रही थी। कंपनी अपने डिस्काउंट्स लगातार बढ़ाती जा रही थी, और डिस्काउंट से आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप अपने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से बिजनेस कर सकते हैं। आप कमेंट ऑप्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम दिखाई दिया डुंजो में, जो कि इतनी बेहतर स्टार्टअप थी और आज वो अपने बैंकरप्सी के बहुत करीब जा चुकी है। कमेंट ऑप्शन में जरूर आप अपना व्यू लिख के बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी वीडियो के लिए आप इस वीडियो का बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।